के बाजारों में उम्र की पूंजी गारत की सब्र का मौसम इश्क की चादर। What? Are you mad? कि तुम क्या कह रही हो? जो अपनी आंखों से देखकर आई हूं वो ही बता रही हूं। अभी चंद दिनों पहले भाई की डेथ हुई है, माँ हॉस्पिटलाइज है बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, और उसने खाली घर देख के अपना बॉयफ्रेंड बुला लिया। पता है हमारा बास औकात दौलत और हमारत अजीब तरह का इम्तिहान बन जाती है, हवस और लालच हमाद अहमद सभी को एक लाइन में खड़ा कर देते। मेरे तो जितने जानने वाले हैं उन सब ने मेरा तो नाक में दम कर दिया। कोई कहता है कि आपके ससुराल वाले ऐसे हैं, कोई कहता है कि आपके ससुराल वाले वैसे हैं। ये दुनिया तो जीने नहीं देखी। बस चंद दिन तुम्हारे डैड को एहसास रहेगा कि ये जिंदगी फानी है, दौलत की कोई हकीकत नहीं है। देखो, मरने वाले के लोहाकीन सिर्फ चंद दिन तक उस कैफियत में रहते हैं, उसके बाद मरने वाले के साथ साथ सब कुछ भूल जाते हैं। बात करते वक्त शर्माना नहीं है, क्योंकि जिंदगी में जो शर्माते हैं सारी जिंदगी गरीब रहते हैं। एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी गरीब। देखो मामा, डार्लिंग, सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हें देखने के लिए, देखता रहूंगा, लेकिन इस वक्त तुमने मुझसे नहीं, अपने डैड से जाके बात करनी है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज तुम्हें, अदनान अकमल की मौत के बाद अकमल फिरदौस की प्रॉपर्टी में तुम्हारा हिस्सा बढ़ गया है। अब 20 करोड़ नहीं, डायरेक्ट अपना हिस्सा मांगना है, अपना हिस्सा, अपना शरई हक। तुमने बहुत अच्छा किया जो चलबाजी नहीं दिखाई, वरना वो तुम्हारी मक्कार भाभी और तुम्हारा चलाक भाई 5-10 करोड़ दे के फारिग हो जाता। देखो अमाद, कोई हमें देख रहा है? किसी ने हमारी बातें सुननी है? आइए 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 प्लीज। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप तशरीफ रखें। थैंक यू जी। अब कहिए। मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि अहमद और आपके बीच कोई हार्ट अटैक हो रही थी। इसका मतलब ये है कि मैं और अहमद बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं। एक्टर? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मतलब ये कि अहमद की यूनिवर्सिटी में एक प्ले हो रहा है, वो उसकी रिहर्सल कर रहा था, मुझे भी उसके साथ माँ का रोल प्ले करना पड़ा। भाई बड़ा जिद्दी अहमद, मानता ही नहीं है। हो, आई सी, मैं खामखा परेशान हो गई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आज आप हॉस्पिटल नहीं गई? एक्चुअली मेरी आज नाइट ड्यूटी है, और वैसे भी आपसे एक मसला डिस्कस करना था। मसला? देखें जी, लोड शेडिंग के मसले को तो मैं हल कर नहीं सकती, इसके अलावा अगर आपको हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्या बात है डॉक्टर समर, सब खैर तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ कि अहमद और नायाब एक दूसरे को पसंद करते हैं। जी ये तुम क्या कह रहे हो अर्सला? मैं ठीक कह रहा हूँ डैड, मैंने इन दोनों की बातें सुनी है। हमाद पर तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि
कुछ लोग दुनिया में सिर्फ दौलत इकट्ठी करने आते हैं, उनका मकसद इंसानियत नहीं सिर्फ दौलत होती है। मगर शायदा, इसके भाई का तो अभी कफन भी मैदा नहीं हुआ और ये जायदाद में हिस्सा मांगने की बातें करने लगी। भाई आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं की। असलान भाई, मेरे तो खून में ही ये बात शामिल नहीं है। मैं तो ऐसी बात कर ही नहीं सकता, आपको यकीनन गलत फहमी हुई है। हुई है, गलत फहमी हुई है, मुझे बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। मैं तुम्हें पता नहीं क्या समझता रहा, मगर तुम एक फरेबी, धोखेबाज और चीटर हो। भाई साहब आप वैसे ही जज्बाती हो रहे हैं। और शैला तुम भी तो मौका महल देख के बात क्या करो ना। आप लोग मेरा यकीन करें, मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं की है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? तकरीबन। यू आर सिंपली लाइंग, झूठ बोल रही हैं आप, खामा खाए में बात का बतंगड़ बना रही हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है नन साहिबा, और अच्छी बीवी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि इस घर में जो कुछ होता है वो मैं अपने हस्बैंड को बताऊं। इसमें कौन सा जुर्म है? अहमद मेरा दोस्त है, पसंद है वो मेरी। आप क्यों इतना जेलस हो रही हैं? Are you out of your mind? मैं क्यों जेलस होगी? लेकिन मैं अपने इस घर में कोई भी बेहयाई बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक्सक्यूज मी, ये सिर्फ आपका घर नहीं है, हमारा भी, बल्कि ये मेरे बाप का घर है। यू गेट इट? तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये? नो, यू आर रॉन्ग। तुम लोग इस घर में एक मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो, ज्यादा खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। मैं अपने इस घर को क्लब या डिस्को बनने नहीं दूंगी, अपनी बड़ी बहन की तरह ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी? सब समझ चुका हूं, तुम्हारा मकसद भी और ये तुम्हारी आंखों से टपकता हुआ लालच भी। क्या करूं, मजबूर हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। बहुत अच्छी आप भगत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मेहमानों की इज्जत दीजिए। अंकल जी, हम तो सिर्फ यहां पे आपके साथ इजहार हमदर्दी करने आए थे। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये मकरो फरेब से भरी हुई हमदर्दी। भाई साहब आप तो जो भी देना है अपनी बेटी को देना है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ आप हम पे क्यों बरस रहे? हमने शहला को जो कुछ देना था दे दिया, बाकी सब कुछ मम्मी और डैड का है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, जब तक ये हैं सब कुछ इन्हीं का है। और हाँ शहला, ये रो धोकर तुम मम्मी और डैड को तो ब्लैकमेल कर सकती हो, मगर मुझे नहीं। चलो चलो अपने घर चलो, देख ली तुम दोनों मियां बीवी की यहां हैसियत और इज्जत। चलो क्या अहमद भी तुम्हें पसंद करता है? भला ये कैसा सवाल हुआ? मुझे लगता है उन लोगों को तुम्हें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। नहीं मम्मी, ये आप कैसे कह सकती हैं? मेरी आज यास्मीन से बात हुई। यास्मीन आंटी से? मेरे और अहमद के मुतालिक? यस। तो उनका रिस्पांस क्या था? बताया तो है कि कोई खास रिस्पांस नहीं है। मुझे तो लगता है कि यास्मीन और अहमद के दरमियान तुम्हारे मुतालिक कोई बात ही नहीं हुई। मे बी। इससे तो साफ जाहिर है कि अहमद को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं।
नो मम्मी नो, दरअसल आंटी ज़्यादातर घर पे नहीं रहती ना, तो शायद अहमद को मेरे मुतालिक बात करने का मौका ना मिला हो। ऐसे कमज़ोर जवाब और बहाने कमज़ोर लोगों के होते हैं। अपने साथ साथ मुझे भी किसी धोखे में मत रखो ना आप। सब्र का मौसम, इश्क की चादर। इश्क की चादर। तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला। मैंने हम्माद और शैला को बातें करते हुए सुन लिया है। मेरा अंदाज़ा हमेशा ठीक होता है, मगर मेरी ही कही भी बात मेरे ही गले में पड़ जाए। क्यों, क्या हुआ? होना क्या था अरसलान, हमारा मेरे कमरे में आई और मेरी इंसल्ट करके चली गई। उसने तुम्हारी इंसल्ट की, मगर क्यों? इसलिए कि मैंने आपको क्यों बताया कि उसका बॉयफ्रेंड आया था और वो अपने भाई की डेथ का रोना रो रही थी उसके गले लगकर। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यही, अब आप भी बताइए कि मैं अपनी नंदों की पर्दापोशी की वजह से अपने हस्बैंड को क्यों धोखा दूं? मैं कैसे आपको हकीकत से दूर रख सकती हूँ? मैं आपकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। फरजीन, तुम्हारी यही तो आदत है जिसने मुझे तुम्हारा गर्विदा बना दिया है। मगर मुझे मेरी नंदों की नजरों में नापसंदीदा कर दिया है। पता है अरसलान, आज तो हमारा ने ये तक कह दिया कि ये घर उसके बाप का है, मेरे बाप का नहीं, और वो किसी भी वक्त मुझे इस घर से निकाल सकती है। नहीं, निकलना तो अब उसको पड़ेगा। मैं फौरी तौर पर उसकी शादी का अरेंजमेंट करता हूँ। मम्मी, उसको जरा सी भी शर्म महसूस नहीं हो रही थी इस मौके पर मुझसे ये बात करते हुए। जब मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने कुछ कहना चाहा तो उसने फौरन से बात बदल ली। शायद उसने अरसलान भाई को बात सुनते हुए देख लिया था। अरसलान भाई को भी आजकल सिर्फ वही नजर आता जो फरजीन भाभी उन्हें दिखाना चाहती, और आजकल फरजीन भाभी से हमारा वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं हो रहा। बेटे, तुम कहां की बात कहां ले आई हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं मम्मी। फरजीन भाभी हम सबको इस घर में मेहमान और खुद को इस घर की मालकिन समझती, और आज जो कुछ भी हो रहा है ना वो भाभी की वजह से हो रहा है। इसीलिए तो मैं कहती हूं बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। महके में तो जवानी की सीढ़ी पर पहला कदम रखते ही लड़कियां बोझ समझी जाने लगती हैं। मैं तो अपने घर को बचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ मम्मी, मगर उन लोगों की डिमांड से बढ़ती जा रही है। मेरी बात मानो, कल तुम हम्माद के पास जाओ और उससे दो टूक बात करो। इस तरह सिसक सिसक कर रोने से तो बेटा बहुत बेहतर है कि एक ही दफा तुम खुलकर अपने नसीब को रो लो। नहीं मम्मी, मैं नहीं चाहती कि मेरी गलती और गलत पसंद की सजा आप लोगों को मिले। मेरी वजह से डैड को अपनी इंसल्ट और आपको एक और सदमा बर्दाश्त करना पड़े। बेटे, किस तरह गुजारोगी तुम ये आंसू भरी और अजियतनाक जिंदगी? जैसे कैसे गुजार ही लूंगी। सब्र का मौसम। मम्मी, मैं हर सूरत में उन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहती हूँ, हर कीमत पर अपना घर आबाद रखना चाहती हूँ।
मैं किसी भी हालत में वो तीन अल्फाज नहीं सुनना चाहती जो औरत के लिए मौत से कम नहीं होते। तो मैं तुम्हारे डैड को कायल कर लूंगी, और अगर नहीं मानते तो सीधी बात है, उनसे फैसला ले लो। हंगामा? कैसा हंगामा हमारा? तुम्हारा हमारे घर आने की वजह से। भाभी ने अरसलान भाई के कान भरे और उसके बाद अरसलान भाई ने घर में हंगामा खड़ा किया। फिर साथ साथ एक और इशू चल रहा है जिसकी वजह से ये सिचुएशन तो दब गई, लेकिन ऑनेस्टली अहमद हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना हालात हमारे हाथों से निकल जाएंगे। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, ये बातें मैं तुम्हें फिलहाल फोन पे नहीं बता सकती। चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं सुबह यूनिवर्सिटी में मिलते हैं और बैठकर आराम से डिस्कस करते हैं जो भी प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं। आई थिंक वी शुड लुक फॉर सम अदर प्लेस, किसी ऐसी जगह जहाँ हम एटलीस्ट सुकून से बैठ कर इस टॉपिक पर डिस्कस तो कर सके। हाँ तो ठीक है, सुबह डिसाइड कर लेते हैं कहाँ मिलना है। हाँ हाँ, तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पिक कर दूंगा। अच्छा और बताओ, मेरी समझ में नहीं आता अम्मारा की शादी की तुम्हें इतनी जल्दी क्या है। पहले वो शैला वाला मामला तो किसी किनारे लग जाने दो। डैड, शैला वाला मामला समझते समझते कहीं बहुत देर ना हो जाए। क्या क्या मतलब है तुम्हारा, कहना क्या चाहते हो बहुत देर ना हो जाए? यमारा ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तुम चाहते हो कि उसकी शादी फौरन कर दी जाए? डैड, इस पर तो मैं कोई बात नहीं कर सकता, मगर मेरी रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके कोई मुनासिब सा रिश्ता देखकर हमारा की शादी कर दें। मैं नहीं चाहता कि फिर कोई बदनामी, कोई स्कैंडल इस फिरदौस हाउस का मुकद्दर बने। ये तुमने सुना अरसलान क्या कह रहा था? जी डैड, सुना। अरसलान भाई आजकल वही बोलते हैं जो फरजीन भाभी उनके दिमाग में फीड करती, और फरजीन भाभी हम सबको इस फिरदौस हाउस से बेदखल करके इकलौती मालकिन बनना चाहती हैं इस घर की। सेकंडली डैड, मेरा फिलहाल शादी करने का कोई इरादा नहीं है। तुमने अपनी मम्मी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? क्या नहीं बताया? मैं कुछ समझा नहीं। आखिर तुम कब समझोगे? कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? आखिर तुम कौन सी ज़बान समझते हो? क्यों इस कदर तंग कर रहे हो मुझे? नायाब, तंग तो अब तुम मुझे करने लगी हो। उस दिन भी तुम्हारी मॉम ने देख लिया था, वो पता नहीं क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। कुछ नहीं सोचा उन्होंने, मैंने उन्हें वैसे भी बता दिया है कि मैं और तुम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। क्या? इश्क की चादर। इश्क की चादर। ये अहमद के साथ लड़की आई है, कौन हो सकती है तुम जानती हो? आपके पास आखिरी मौका है सोच लेते, फिर मुझसे गिला मत कर कि सोने की चिड़िया हाथ से उड़ गई। लेकिन मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी और के बारे में सोचा भी नहीं है अहमद।
नहीं है मारा, ऐसा नहीं हो सकता। सब्र का मौसम, इश्क की चादर, बारिश तेज कनात की, जीवन कैसा खिल उठता है उसने जब की चादर।